हमें सुबह सुबह रजौल से करण ठाकुर जी ने कॉल किया और बताया कि एक बैल के पूंछ में किसी ने हफ्ते भर पहले बहुत टाइट वायर या रस्सी बांध दी थी, जिससे उसकी पूंछ ऑलमोस्ट कट के गिरने पे आ गई है और लगातार खून भी बह रहा है। इसलिए बिना समय गवाए हम उसकी रेस्क्यू के लिए निकल गए। हम रास्ते में करण ठाकुर जी से कॉल पे बात करते हुए जा ही रहे थे कि उन्होंने हमें देख लिया और बताया कि बैल हमारी गाड़ी के ठीक सामने खड़ा है। हम फटाफट डार्ट गन को लोड करने में लग गए, पर इसी बीच वो बैल रोड क्रॉस करके रोड साइड ही आगे बढ़ने लगा। उसके साथ कुछ और भी बेसहारा बैल थे जिन्हें लोगों ने उपयोग के बाद छोड़ दिया होगा। दिन चढ़ रहा था और ट्रैफिक भी काफी बढ़ रही थी। हम गाड़ी घुमा ही रहे थे कि उतने में बैल आगे बढ़ गया। हमें बैलों का झुंड तो दिखा, पर वो बैल नहीं था जिसे हम ढूंढ रहे थे। वो कहीं गायब हो गया। भाग गया। सब हक्के बक्के रह गए कि अचानक से बैल कहाँ गायब हो गया। बैल मिल तो गया था, पर वो रोड के जस्ट किनारे ही घूम रहा था और ट्रैफिक बहुत ज्यादा थी। एक मौका मिला जब साहिल बैल के बहुत करीब था और उसने डार्ट शूट करने के लिए गन तान ली। वो जैसे ही ट्रिगर दबाने वाला था, बैल आगे बढ़ते हुए रोड पर जाने लगा। सिचुएशन समझते हुए साहिल ने गन नीचे कर ली। अगर इस समय डार्ट गन चल जाती तो बैल घबराता हुआ तेजी से रोड की ओर बढ़ता और किसी वाहन चालक से टकरा सकता था। अब डार्ट गन चला पाना बहुत मुश्किल लग रहा था। अब हमें कोई और उपाय चाहिए था। हमारी टीम ने सूझबूझ से काम लिया। करण ठाकुर जी, गौरव भाई और रविंदर भाई की मदद से ट्रैफिक को रोक दिया। अब साहिल और बैल दोनों ही रोड के बीच खड़े थे। साहिल ने बेहोशी की दवाई भरा डार्ट शूट किया। डार्ट ठीक जाके बैल के कंधे पे लगा। वह घबराता हुआ रोड के किनारे चला गया। बैल इधर से उधर जा रहा था। देख कर बताया जा सकता था कि दवाई का असर उस पे हो रहा है। साहिल भाई, और कितना टाइम लगेगा? 5 मिनट हो रहा है। इतना ज्यादा वो भटक क्यों रहा है? तो क्या कुछ हो रहा है अंदर? मैंने थोड़ा नशे तो हो रहा है इसको, पर ये डर भी गया ना, इसको डर लगी ना। बैल अपनी पूंछ को लगातार जोर जोर से हिला रहा था। उसकी पूंछ ऐसी कंडीशन में पहुंच गई थी कि वो किसी भी पल अलग होके गिर सकती थी। हमारा थोड़ा सा ज्यादा नाखून क्या कट जाए, हमारी तो जान निकल जाती है, और इस बेचारे का तो एक शरीर का हिस्सा इससे अलग होने वाला था। हम तो अपने दर्द को किसी से बयां कर सकते हैं, पर इन बेजुबानों के लिए यही तो नामुमकिन है। उसकी पूंछ से रिसते हुए खून से न सिर्फ मक्खियां उसके पास मंडरा रही थीं, कुछ पंछी भी उसकी खून देखकर उसके पास चले आए थे और उसके शरीर से चिपके हुए सूखे खून से अपनी चोंच मार रहे थे। बैल के बैठने के कुछ ही देर बाद एक अजीब सी घटना हुई जो हमारे समझ के बाहर थी। बैलों का झुंड उस बैठे बैल के पास आकर उसके कटे हुए पूंछ को सूंघने या चाटने लगा, और ऐसा एक बैल ने नहीं बल्कि कई बैलों ने किया। हमने बैल के गले में रस्सी डाली। बैल पे दवाई का असर ऐसा था कि वो बहुत सुस्त पड़ गया था। हमने मोटी सी दरी बिछाकर बैल को उस पे लिटा दिया, पर जब लोगों की मदद से हमने दरी को उठाने की कोशिश की तो अंदाजा हुआ कि यह बैल इतना भारी है कि हम इसे उठाकर गाड़ी पर लोड नहीं कर सकते। फिर हमने इसे उठाकर खड़ा कर दिया और ऐसी जगह की तलाश में जुट गए जहां जमीन और गाड़ी बराबर सतह पर आ जाए। थोड़ी देर में हमें ऐसी जगह भी मिल गई, पर बैल गाड़ी पर अपने पैर नहीं रख रहा था। पहले पैर को हमने अपने हाथों के जोर से गाड़ी पर टिकाया और थोड़ी हिम्मत कर बैल ने दूसरा पैर गाड़ी की ओर बढ़ाया। इसके बाद बैल को गाड़ी पर लोड करने में हमें और ज्यादा कठिनाई नहीं हुई। अब जब इसको हम यहाँ पे लेके आए ना, तब हमें पता चला कि इसकी पूंछ पे किसी ने रस्सी या तार नहीं बांधी थी, क्योंकि इसकी तो हड्डी टूटी हुई थी। बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता कि जो जानवरों की पूंछ होती है ना, वो इनकी रीढ़ की हड्डी की एक्सटेंशन होती है। तो जब इसको हम यहाँ पे लाए, हमें फटाफट पूंछ को एम्प्यूटेट करना पड़ा, क्योंकि वहां पे कोई भी जो इन्फेक्शन है, क्योंकि रीढ़ की हड्डी के इतना नजदीक है, वो बहुत जल्दी फैल जाता और ये मर भी सकता था। हमने ये पहले देखा था, हमारे यहाँ एक बैल आया था गिरगिट, जिसकी बड़ी सिमिलर इंजरी थी, और समय रहते क्योंकि हमने उसकी पूंछ की एम्प्यूटेशन करी नहीं, हम उसको बचा नहीं पाए। तो हमने अपनी गलती का अंजाम देखा और हमने उस गलती को फिर दोहराया नहीं। और मुझे लगता है इसी तरह हम सभी लोग बड़ी सारी चीज़ें अनजाने में कर जाते हैं, और अगर हम उनका अंजाम देखें तो शायद हम उन्हें दोहराएंगे नहीं।